किरण नाय, वरिष्ठ पत्रकार की रिपोर्ट। असदुद्दीन ओवैसी के मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की को पुलिस ने किया गिरफ्तार। केस दर्ज। बेंगलुरु नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। प्रदर्शनकारी लड़की का नाम अमूल्या लियोना है। बेंगलुरु पुलिस अभी अमूल्या लियोना से पूछताछ करेगी और इसके बाद कोर्ट में पेश करेगी। गुरुवार को अमूल्या लियोना ने उस समय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जब कर्नाटक के बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ जनसभा को असदुद्दीन ओवैसी संबोधित करने जा रहे थे। अमूल्या लियोना पहले मंच पर पहुंची और फिर हाथ में माइक थामा, इसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। इस दौरान मंच पर असदुद्दीन ओवैसी मौजूद रहे और उन्होंने फौरन उस लड़की का विरोध किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन का आयोजन करने वाले लोग अमूल्या से माइक छीनने लगे और पुलिस को फौरन बुलाया। पुलिस ने मंच पर पहुंचकर अमूल्या लियोना को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने अमूल्या लियोना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 124 ए राजद्रोह के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अमूल्या लियोना के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की निंदा की और पल्ला झाड़ा है। उन्होंने कहा, मैं पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने की घटना की निंदा करता हूं। हमारा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए भारत जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। इससे पहले AIMIM के प्रवक्ता और पूर्व विधायक वारिस पठान ने बेहद विवादित बयान दिया। कर्नाटक के गुलबर्गा में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान ने कहा कि हमने ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है। आजादी मांगने से नहीं मिलती है तो उसको छीन लेंगे। वारिस पठान ने कहा, हमको कहा जा रहा है कि हमने अपनी माँ और बहनों को आगे भेज दिया है। हम कहते हैं कि अभी सिर्फ शेरनियाँ बाहर निकली हैं तो आपके पसीने छूट गए। अगर हम सब मिलकर आ गए तो सोच लो क्या होगा। हम 15 करोड़ 100 करोड़ लोगों पर भारी हैं। यह बात याद रख लेना। आपको बता दे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस और AIMIM समेत अन्य राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। CAA का विरोध करने वालों का कहना है कि यह कानून धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। हालांकि मोदी सरकार साफ कह चुकी है कि यह कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनता है। यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई और बौद्ध धर्म के समुदाय के लोगों को नागरिकता देने के लिए लाया गया है। Look at the